जहाँ तक हम पोजिशनल पिक की बात करेंगे तो आई थिंक एक्सपोर्ट्स में कंपनीज है जहाँ पे एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। आपने पिछले एक साल में भी देखा रहेगा कि एक्सपोर्ट कंपनी जब मार्केट भी खराब थे तब एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहे थे। अब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम्स के साथ एक्सपोर्ट कंपनीज में, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है एटलीस्ट फॉर 2023। उसमें से मेरा जो टॉपिक है वो है गोकुल दास एक्सपोर्ट। आप स्टॉक का चार्ट भी देखोगे तो पिछले एटलीस्ट एक साल से एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में था। फाइनली हमें लोअर एंड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिखे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में, तो बेस फॉर्मेशन कहीं ना कहीं करंट लेवल्स पे बन गया है। और स्टॉक ने 1-2 दिन में अच्छी खासी लोअर लेवल से रैली दिखाई है। 375 वाला स्टॉक अभी 415 चल रहा है, तो आप अक्यूमुलेटेड फेज में बाय करिए। करंट लेवल्स पे भी आप ऐड कर सकते हो, आपको 400 के आसपास भी डिप मिलता है तो भी यूटिलाइज करें उसको बाय करने के लिए। 375 अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है डाउन साइड के लिए स्टॉक के लिए, एंड वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है फर्स्ट है 500 का, और सेकंड टारगेट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 530 का। ओके, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये है वो स्टॉक, पोजिशनल पिक के तौर पर पसंद है आपके लिए कुणाल जी को। आइए टारगेट रखें 500 और 530 का।